हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम, आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। ये जो है कि आपकी पीवीएफटी, जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पीवीएफटी और एडीएटी, तो गाइस इन दोनों ही एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है कि पीवी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो कुछ ही दिनों पहले हमने इसके बारे में बात की थी कि आपका जो एडीडीटी और पीवीएफटी का रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो गाइस, ये जो है ईएसबी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड ने आपका जो है रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। तो आप जो है सीधे ईएसबी की वेबसाइट पर जा करके पीवीएफटी और एडीडीटी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे, या नवीन सूचनाएं जो आपकी जो है, यहाँ से जा करके आप रिजल्ट देख सकते हो, या फिर परिणाम में जा करके आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। प्री वेटनरी एंड फिशरिंग टेस्ट, ये जो आपका एग्ज़ाम होती है 2023 को, तो 23 वाली, और एनिमल हस्बेंड्री डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट 2023, तो ये जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पर गाइस, अगर पीवीएफटी के टॉप 10 स्टूडेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, ईएसबी की ओर से जारी जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें जो अगर उनकी लिस्ट को अगर हम यहाँ पर देखें, तो सबसे हाईएस्ट अगर टॉप 1 कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, तो इनके 78.63, जो भोपाल एग्ज़ाम सिटी रहा है इनका, तो ये 78.63, और जो टॉप 10 वाला जो स्टूडेंट हैं उसके जो नंबर आए हैं 74.3, यानी कि कुल 4 नंबर का यहाँ पर डिफरेंट आपने को देखने को मिला है पीवीएफटी के रिजल्ट में टॉप 10 स्टूडेंट्स के बारे में। तो इसकी कट ऑफ के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है इस बार। और गाइस, काउंसलिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो काउंसलिंग आपकी जो है कि इसके बारे में भी आपको डिटेल में वीडियो देखने को मिलेगा बाद में, क्योंकि गाइस बहुत से स्टूडेंट जो है कि एग्ज़ाम दे लेते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होने के कारण वो अपनी काउंसलिंग नहीं करवा पाते हैं, और वो उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। तो काउंसलिंग के बारे में भी आपको हम फुल डिटेल में जानकारी बताएंगे, और वो भी बताएंगे कि पिछली बार यानी कि 2022 में काउंसलिंग किस प्रकार आपकी हुई थी। तो ये जो है गाइस, आपके यहाँ पर पीवीएफटी, प्री वेटनरी और फिशरिंग टेस्ट के टॉप 10 स्टूडेंट्स की यहाँ पर लिस्ट है। ये लिस्ट को आप जो है कि सीधे ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो। परीक्षा परिणाम पीवी एंड एफटी, जिसके अंतर्गत आप एनडीबीएसयू जबलपुर के अंतर्गत आने वाले पीवीएससी एंड एएच और बीएफएससी के अंतर्गत जो आपके स्नातक पाठ्यक्रम हैं उनमें आप प्रवेश कर लेंगे। तो परीक्षा की तिथि की अगर हम बात करें, तो 28 जुलाई 2023 को यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम जो हुई थी। परीक्षा परिणाम की अगर हम बात करें, तो ये आपकी 29 सितंबर 2023 को आपकी यहाँ पर जो रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हुआ था 29 सितंबर 2023, यानी कि 2 महीने के डिफरेंट में आपके दोनों ही एग्ज़ाम पीवीएफटी और एडीडीटी दोनों ही के रिज़ल्ट यहाँ पर ईएसबी ने डिक्लेयर कर दिए हैं। तो यहाँ पर कुछ अगर कैंडिडेट्स की अगर हम बात एग्ज़ाम की अगर हम बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको बीबीएससी एंड बीएफएससी के फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन दिया जाएगा, और इस परीक्षा में कुल पीवीएफटी की अगर बात करें, तो 16,403 कैंडिडेट्स के ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड जारी किए थे, जिनमें लगभग 10,804 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए थे। टॉप 10 के बारे में गई तो आपने जानकारी यहाँ पर देख ली है, और यहाँ पर जो अलग अलग रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपका रिजल्ट तैयार किया गया है, तो वो आपको अपने रिजल्ट में देखने को मिलेगी। इसके लिए काउंसलिंग की जो जानकारी है गई जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी, जब भी काउंसलिंग की सूचना आपको मिलेगी तब। आगे हम बात करते हैं कि परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत यदि कोई त्रुटि संज्ञान में आती है, तो परिणाम को सुधार करने की जो अधिकार हैं वो ईएसबी के पास हैं। ये तो हो गया गाइस आपकी पीवीएफटी, जिसमें हमने टॉप 10 स्टूडेंट्स के देखे हैं, और उसके साथ ये भी देखा कि आपके जो कितने कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए थे। अब जो है कि अब आप जो है सीधे अपना रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हो, साथ ही में आप अपनी रैंक आपको देखने को मिल जाएगी रिजल्ट में। और ये जो गाइस की
कमिटी रिकमेंडेड, अगर इसके इसको अगर हम जाने तो ये जो है आपका फाइनल यहाँ पर आंसर की है, जो आपका क्वेश्चन पेपर जब आपने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगाया था तो उसके बाद आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर ESB द्वारा या तो गलत कर दिए गए हैं या फिर क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिए हैं, तो उन क्वेश्चनों के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कमिटी रिकमेंडेशन के में, और टॉप 10 हम डिस्कस कर चुके हैं, रिजल्ट नोट भी हमने देख लिया। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक धन्यवाद।